इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता को विश्वास दिलाया है कि वह कुरुक्षेत्र लोकसभा के विकास के पहिए को और गति देंगे और भाजपा द्वारा आधे अधूरे पड़े कामों को पूरा करवाएंगे। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए गुप्ता ने कहा कि मैंने संसद में रहते हुए मोदी की आंखों में आंखें डालकर उनकी नीतियों का विरोध किया है। वहीं गुप्ता ने कहा कि भाजपा के विरोध के बाद मुझे 3 बार संसद में सस्पेंड भी किया गया, लेकिन मैं फिर भी उनसे डरा नहीं और दबा नहीं। वहीं गुप्ता ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं संसद में मुखिर होकर कुरुक्षेत्र की बात रखूंगा और क्षेत्र का विकास करवाऊंगा और भाजपा ने जो आधे अधूरे काम छोड़ रखे हैं उन्हें आपके आशीर्वाद से जल्द पूरा करवाऊंगा। हमेशा संसद के अंदर, चाहे वो मणिपुर का इशू हो, चाहे वो किसानों का इशू हो, मोदी जी की आंख में आंख डालकर उनका विरोध करते रहे। 3 बार मुझे सस्पेंड भी किया, परंतु इनसे डरे नहीं ना दबे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आपकी आवाज मुखर तरीके से देश की संसद के अंदर रखूंगा, यहाँ का मैं विकास कराऊंगा, रुके हुए कार्यों को देखूंगा। जो आपका यहाँ से लेकर यमुनानगर तक का नेशनल हाईवे को 4 लाइन का बनाने की मैं पूरी भरसक प्रयत्न करूंगा, जल्दी से बने। पुल आपका रुका पड़ा हुआ है इतने समय से, ये जो छोटे छोटे बहुत से काम है जो यहाँ पे होने बाकी है, मेरा पूरा प्रयत्न होगा कि मैं उन सब कामों को बहुत तेजी के साथ आगे कराऊँ।